अपना सिक्का जमाया है। आप एक नेशनल इंटरनेशनल लीडर हैं, मगर उदारा आप चलिए, अब उम्मत का भी तगादा है, अब आप आखिर पे कम से कम अपने लोगों की खिदमत करें। उसका मुराद था कि यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर में जब गुलाम नबी आजाद साहब यहाँ पे बांधते थे चीफ मिनिस्टर 2005 से 2008 27 महीने आए तो उन्होंने नक्शा बदल दिया। यहाँ देखे मैं चिनेनी की बात आज यहाँ रियासी की बात करूँ कटरा की बात करूँ क्या क्या उन्होंने दिया यहाँ पे। जब एक दिन मीटिंग हम यहाँ कर रहे थे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड की तो शायद आपको याद होगा, तो जब आप इस मीटिंग हॉल में जब हम बैठे तो हमारा रूह ताज़ा हो गया, हम हैरान हो गए। मैंने उमर साहब को बोला जनाब ये तो नए 8 डिस्ट्रिक्ट जो आजाद साहब ने दिए उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने किस पैटर्न पे बनाया। आप भी जरा मेहरबानी करके जो हमारे बाकी पुराने डिस्ट्रिक्ट जो हैं 12 डिस्ट्रिक्ट जो बाकी रहते हैं लद्दाख के 2 हो गए 18 उनमें भी ये स्ट्रक्चर आप तैयार कर भाई कहता पैसा कहाँ से तो बताइए आजाद साहब ने डिस्ट्रिक्ट दिया। ये भी मेरे साथी ने कहा मजीद साहब ने कि हमारे बुजुर्ग लीडर ऋषि कुमार कौशल जी ने दाढ़ी रखी थी सच किया था उन्होंने अपना मन था कहते कि हिम्मत है मर्दा मदद है खुदा गॉड हैंड दोस हु हैव देम साहब उस वही हमने आज करना है कि गुलाम नबी आजाद साहब ने मुल्क को छोड़ दिया और परसों जो उन्होंने जम्मू में बताया मैं चीफ जस्टिस की उस पोस्ट से लेकर आज तहसीलदार की पोस्ट पे आया हूँ आप लोगों की खिदमत करने के लिए। अगर वो हमारी खिदमत करने के लिए आए वो अपना नोट जो 2005 से 2008 तक उन्होंने हमें दिखाया अगर उस नोट को दोहराने के लिए उन्होंने बगैर मजहब और मिलत काम यहाँ किया अगर उन्होंने ये जो रेत की दीवारें आज खड़ी हुई हैं उनको मिसमार करके आज हमने नए जम्मू कश्मीर को खुशहाल जम्मू कश्मीर बनाना है इसके लिए आपका ताउन हमें बोल रहे इस ताउन के लिए जो नक्शा उन्होंने खींचा है आपने ये जो हमारा बैनर है इसकी भी पूरी पूरा बता दिया नरेश जी ने इसका मकसद और मुद्दा क्या। उसके बाद आज नए तौर आप देख रहे हैं यहाँ जमा होने का मकसद क्या कितने दूर दराज एरिया से आप यहाँ आए हैं। अभी हमारे 5 ब्लॉक रहे हैं उनके लिए अलग मीटिंग करनी पड़ेगी पर जो आप यहाँ पे आए हैं सबसे ज़्यादा एक चीज़ जो रह गई जो यहाँ नहीं कही गई आजाद साहब ने कहा है हर पंचायत से हर वार्ड से 21 लोगों की कमेटी बनानी है। कितने लोगों की बाकी पार्टियां बनाती बूथ लेवल की पर हमने फैसला किया है हम बनाएंगे वार्ड वाइज। हमने लगभग 5-6 कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुकम्मल कर दिया है। मुझे मालूम शायद जुगल जी ने भी यहाँ शुरुआत की है या नहीं, अगर नहीं की है तो आप शुरू करिए क्योंकि आपने तो अभी डिस्ट्रिक्ट कमेटी की बात की आपने अभी जोनल कमेटी की बात की आपने भी ब्लॉक कमेटी की बात की पर जहाँ पे तरह बेस जो है वो हमारा बेस है वार्ड। वार्ड में 21 लोगों की कमेटी बनेगी एक प्रेसिडेंट 2 वाइस प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी सेक्रेटरी और स्पोक्स पर्सन कन्वीनर ये 7 लोग होंगे और बाकी 18 लोग जो होंगे उसके एग्जीक्यूटिव मेंबर होंगे। जरा आप खड़े करें आप अपने अपनी पंचायतों में बनाएंगे वार्ड वाइज बनाएंगे ना जोर से बोलो हाँ बनाएंगे ये बड़ा मुश्किल काम है मगर बनाना है लोगों में जाके जैसे हम यहाँ आए हमने आपसे पूछा आप बताए 4 डिस्ट्रिक्टों का हेड कौन हो सकता है आपने सरदार जी का नाम दिया डिस्ट्रिक्ट कौन हो सकता है आपने और 2 बंदों का नाम दिया ब्लॉक के लिए आपने और 2 बंदों का नाम दिया इसीलिए कंसेंसस बनाना है कि वार्ड के लोगों में जाके आप वहां पे और नुमाइंदे चुनिए। उसके बाद 7 लोगों की कमेटी बनानी है पंचायत में कितने लोगों की 7 लोग वो पंचायत की पूरी जिम्मेवारी उन पर आई होगी एक प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी दो सेक्रेटरी कन्वीनर और स्पोक्स पर्सन ये मेरी गुजारिश है। ये जो ब्लॉक के आपके 5 ब्लॉक के हैं जरा खड़े हो जाए 5 लोग 5 ब्लॉक से चाहे आप जुगल जी 5 लोग खड़े करेंगे यहाँ से जो हमें 15 दिन के अंदर ये कमेटियाँ बना के देंगे ब्लॉक वाइज।
एक तो सूरज जी पौनी से खड़े हुए नहीं नहीं वो जो 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 ब्लॉक की जो पंचायती कमेटियां हैं उसका पूरा डाटा मुकम्मल करके हमें दे देंगे। ठीक है, ये सूरज जी कौन से ब्लॉक से पौनी ब्लॉक से आप लिख दे देंगे। अरे पंचायत और वार्ड आपने बोल दिया। दूसरा ब्लॉक कृष्ण सिंह जी को आप देंगे ना अपने ब्लॉक की पंचायत कमेटी और वार्ड कमेटी। तीसरा ब्लॉक की मनोज जी आप देंगे ना अपने 15 दिन के अंदर देना है वार्ड का भी और पंचायत का भी। ये तीन ब्लॉक हो गए। विक्रम सिंह जी आप देंगे। चलिए कौन कौन सा ब्लॉक आप देंगे ना ये वार्ड की और पंचायत की कमेटियां जुगल जी को सौंप देंगे ताकि हमारा बुनियादी जैसे मक्की बीजते हैं ना दाना डालते हैं फिर चलो उठता है वहां से दान मक्की बनती है वही ये काम आज हो रहा है जो अल्लाह साहब की वो ग्रास रूट से सबको उठाना चाहते हैं। यह मेरी आपसे बहुत बड़ा गुजारिश थी कि ऐसे करना है। मालूम है कि आप सुबह से यहाँ बैठे हैं दूर दराज एरिया से आए हैं सब साथियों ने यहाँ पे बातें कही। यहाँ हमारा मकसद और मुद्दा पूरा तब होगा जब आप गुलाम नबी आजाद साहब को यहाँ से जुगल जी को जिता के बैठेंगे तब। और इसके साथ के जो पटना की कॉन्स्टिट्यूंसी दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी हैं जहाँ इसके लिए मेहनत करने की जरूरत है रात दिन मेहनत करनी है ये आसान तरीका नहीं है। अगर आप चाहेंगे कि जुगल जी को जिस तरह आपने उस दिन जिताया था ये कहना हम रह गए हमको आजाद साहब ने छोड़ दिया मुझे मुजीब साहब को और जुगल जी को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। आज शायद इनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे क्योंकि भगत बरादरी से पहले बने आप शर्मा जी को बनाएंगे ज्यादा इसके लिए भी आपको मेहनत करनी होगी तब ये बन सकते हैं। और दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी से हमें नुमाइंदे चाहिए जितने हैं ये आप पर है आपका काम है। आपसे मेरी बहुत बड़ा गुजारिश है कि आप दान मान धन से इनकी मदद करिए आजाद साहब की मदद करिए और आजाद साहब को यहाँ का चीफमेंट बनाइए और आप देखेंगे कि वही लोग जिस दिन आपका यात्री भवन बना हर सहूलियात भी उसमें मौजूद इससे खबर भी बहुत से चीफ मिनिस्टर आए क्या ऐसा काम हुआ किसी का। आप देखिए आपका बजट आपका क्या हाल कितनी बेहतरीन टूरिस्ट सेंट्रल डेस्टिनेशन बना दिया हाँ क्योंकि बोर्ड बनाया बहुत ये बोलते थे वहां असेंबली में क्या उन्हें लाया वहां पास करवाया इसकी मेहरबानी और उसकी मेहरबानी है कि जिन्हें पास करवा के यहाँ आपके इसको काफ़ी मेहनत करके आपको रंग रंगों से भर दिया आपके खुशहाल रियासी कटरा को बना दिया। लिहाजा मेरी मौजवाना गुजारिश आपसे निवेदन आपसे है कि आप गांव में जब जाएंगे जो यहाँ आपने सुना वो आपने वोटरों को बनाया सुनाना है बताना है और आजाद साहब को यहाँ का चीफ मिनिस्टर बनाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। गुलाम नबी आजाद साहब जिंदाबाद। गुलाम नबी आजाद साहब जिंदाबाद। पहले एक हाथ चुको कि आजाद साहब का प्रोग्राम रखे थे कि नहीं रखे हाथ चुको गुलाम नबी आजाद साहब का प्रोग्राम। गुलाम नबी आजाद साहब जिंदाबाद। मुड़ो एक चल दो हाथ चुकना एक नहीं चुका है दो हाथ चुकना आजाद साहब का प्रोग्राम ठीक है लेकिन उसमें एक खाली ये नहीं है अज तुस आए हो अपनी अपनी निकी निकी गड्डियां लेके अगले मेरी आना तो बसा लेके आना नहीं तो आजाद साहब का प्रोग्राम नहीं होता ठीक है ना बसा लेइए चलो कि बसा आने मेरा हाथ चुको जो बसा मैं गुलाब सुन दो हफ्ते दो बसा ठीक है और तुसें रुट्टी खानी रुट्टी आस्ता आस्ता करते भीड़ इकट्ठी करो आस्ता आस्ता रुट्टी खाओ ये इतने मंच पर बैठे रहो मीडिया ने कोई गल करनी तो कर सकते थे तो तुसें सारे जने रुट्टी खाइए फिर वापस अगर कोई मिला कोई आप रुट्टी खाइए फिर अगर आना चाहते थे मिल सकते फोटो चले हाँ फोटो खिचाओ तो आइए तेरी जरिए वीडियो शीडियो का ट्रक कर लेंगे ठीक है।